सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम राम पार्वती ने शिव जी से पूछा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म क्यों हुआ था? तब प्रभु राम के मनुष्य अवतार के बारे में भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया, वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते प्रभु धरि विविध शरीरा, हर हि कृपा निधि सज्जन पीरा, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक बार रावण, कुंभकरण तथा विभीषण तीनों भाइयों ने घोर तप किया। तप से ब्रह्मा जी ने खुश होकर वर मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा, हे प्रभु, हम वानर और इंसान दो जातियों को छोड़कर और किसी के मारे से न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने रावण को यही वर दिया। रावण राक्षसों का राजा था। उसने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किया। पृथ्वी तथा सारे देवता रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने रावण से रक्षा करने को भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। जब जब धर्म का नाश होता है, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर अपने भक्तों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। दशरथ नाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब हम आपको अयोध्या की ओर ले जा रहे हैं। अयोध्यापुरी में एक रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा थे।
उनका नाम वेदों में विख्यात था। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। उनकी तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनके हृदय में भक्ति भरी हुई थी। तीन विवाह हुआ था, लेकिन दुख एक ही बात का था, उनको पुत्र नहीं था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि उनके पुत्र नहीं है। जैसे ही हृदय में ग्लानि आई, तब राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनके चरण पकड़ लिए, क्योंकि जो गुरु के पास पहुंच जाता है, भगवान स्वयं उनके घर पहुंच जाते हैं। राजा ने जाकर अपना सारा दुख सुख गुरु वशिष्ठ को सुना दिया। गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपके चार पुत्र होंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत ही श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के पूर्ण होते ही अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव ने राजा दशरथ को यह प्रसाद तीनों रानियों में बांट देने को कहा। दशरथ जी ने तीनों रानियों को बुलाया, उस प्रसाद के बीच में से दो हिस्से किए। आधा हिस्सा पूरा कौशल्या माँ को दिया। अब राजा ने बाकी बचे आधे प्रसाद को दो हिस्से में किया। उसमें से एक हिस्सा पूरा पूरा महारानी कैकेयी को मिला। एक हिस्सा प्रसाद जो बचा था, राजा ने उसके भी दो हिस्से किए। एक हिस्सा कौशल्या माँ को दिया, जिसको माँ कौशल्या ने अपने हाथों से महारानी सुमित्रा को दिया, जिससे लक्ष्मण जी प्रकट हुए। और दूसरा हिस्सा महारानी कैकेयी को दिया, जिसको महारानी कैकेयी ने महारानी सुमित्रा को खिलाया, जिससे शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हुई। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, चारों ओर सुख संपत्ति छा गई। 9 महीने बीत गए और अब वह शुभ समय भी आ गया। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बह पाऊ, हरषित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित वायु चल रही थी। सभी देवता भगवान की स्तुति करके अपने अपने लोकों में पधारे थे। और उसी समय अवधपुरी के दिव्य भवन के दिव्य कक्ष में रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम बालक रूप में प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन विरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण मन माला नयन विशाल, शोभा सिंधु खरारी।
रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।